माननीय उपसभापति महोदय, देश की आर्थिक स्थिति पर बोलने के लिए मैं पार्टी की ओर से खड़ा हुआ हूँ। महोदय अभी चिदंबरम साहब भाषण कर रहे थे, वो बार बार कह रहे थे कि ग्रोथ इज़ नॉट रिफ्लेक्टेड ऑन द ग्राउंड, इज़ नॉट सीन ऑन द ग्राउंड। मुझे पता नहीं किस ग्राउंड की बात कर रहे हैं वो। अभी अभी 3 राज्यों में चुनाव हुआ तो ग्रोथ अगर वहाँ जमीन जमीन पर दिखाई नहीं पड़ता तो फिर जीते कैसे, फिर परिणाम हमारे पक्ष में कैसे आया। तो ग्रोथ देखने के लिए भी चश्मा चाहिए। अगर 3 का चश्मा लगा लेंगे तो कुछ भी दिखाई नहीं पड़ेगा, अगर पार्टी के चश्मे से देखेंगे तो कुछ भी ग्रोथ दिखाई नहीं पड़ेगा। और सती महोदय, ये जो दूसरी तिमाही है 23-24 की, दूसरी तिमाही आरबीआई से लेकर देश के तमाम जो अर्थशास्त्री थे उनका आकलन फेल कर गया। यहाँ तक कि आरबीआई ने भी कहा कि 6.5% ग्रोथ होगा और हुआ कितना, 7.6% ग्रोथ दूसरी तिमाही के अंदर इस देश के अंदर हुआ है। और मैं सदन को बताना चाहूँगा, ये जो 23-24 की दूसरी तिमाही है उसमें यूके का ग्रोथ कितना है, 0.6%, चाइना का ग्रोथ 4.9, अमेरिका का 5.2, रशिया का 5.5 और भारत का ग्रोथ है 7.6। और इसलिए आज भारत दुनिया में सबसे तेज गति से विकसित होने वाला, विकास दर वाला देश है। सभापति महोदय, महंगाई पर बार बार चर्चा हो रही है, अगर लोग इतने ही दुखी होते, इतने ही नाराज होते तो फिर मैं मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ की बात करना चाहूँगा। और इस देश में कितने प्रदर्शन हुए सभापति महोदय, दुनिया के 50 देशों में लाखों लोग सड़कों पर आ गए पेट्रोल डीजल की महंगाई, खाने पीने की चीज़ों की महंगाई के विरोध में। लेकिन भारत में 10,000 लोग भी कहीं सड़कों पर नहीं आए। क्यों नहीं आए, महंगाई है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इनकार करो कि महंगाई नहीं है, लेकिन लोगों को मालूम है कि महंगाई का कारण नरेंद्र मोदी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी नहीं है, केंद्र की सरकार नहीं है, कोविड कारण है, रूस यूक्रेन युद्ध कारण है। और दुनिया के तमाम देश महंगाई का मुकाबला कर रहे हैं। और सती महोदय, 4 चीज़ों के अंदर सबसे ज़्यादा महंगाई का असर दिखाई पड़ता है। पहला पेट्रोलियम पदार्थ, दूसरा एडिबल ऑयल खाद्य तेल, तीसरा फर्टिलाइज़र और चौथा दाल। सती महोदय, इन चारों में से कोई भी चीज़ हम भारत में पैदा नहीं करते पूरे तौर पर। पेट्रोलियम पदार्थ 85% इम्पोर्ट करते हैं। अगर अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत बढ़ेगी तो भारत में बढ़ने से हम कैसे रोक पाएंगे। एडिबल ऑयल, दुनिया के बाकी देश से ये खाद्य तेल नहीं खाते, केवल भारत के लोग खाते हैं। और 60% एडिबल ऑयल हम इम्पोर्ट करते हैं। फर्टिलाइज़र, 60% फर्टिलाइज़र का रॉ मटेरियल हम इम्पोर्ट करते हैं। दाल, अमेरिका के लोग दाल नहीं खाते हैं, फ्रांस और जर्मनी के लोग दाल नहीं खाते, दाल खाता है भारत और पैदा करता है म्यांमार, और दाल भी हमको और आयात करना पड़ता है। क्योंकि पौधे में सबसे पहले पेट्रोलियम डीजल के बारे में इस सदन को बताना चाहूँगा कि श्रीलंका में पिछले 2 वर्षों में, सितंबर 21 से लेकर सितंबर 23 का आंकड़ा मेरे पास है, पेट्रोलियम के दामों में कितनी वृद्धि हुई, 61%। पाकिस्तान में कितनी वृद्धि हुई, 60.68%। छोड़ दीजिए पाकिस्तान बांग्लादेश की बात, अमेरिका में कितनी वृद्धि हुई पेट्रोल के दामों में, 46.31%। जर्मनी में 19.41, फ्रांस में 26.47, स्पेन में 24.92, इटली में 24.27, इंग्लैंड के अंदर पेट्रोल के दामों में 2 साल में 15% की वृद्धि हुई। और सदन को शायद ज्ञात नहीं होगा कि भारत में पिछले 2 वर्षों के अंदर पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी नहीं हुई बल्कि 4.56% की घटोतरी हुई है, यानी निगेटिव ग्रोथ हुआ है। यानी जहां सितंबर में
101 रुपया 34 पैसा पेट्रोल का दाम था, वहाँ 2023 में घटकर 96.72 हो गया। और सती महोदय, उसी प्रकार डीजल श्रीलंका में 115% और की वृद्धि हुई है डीजल के दामों में, पाकिस्तान में 67, फिर अमेरिका 48.68, जर्मनी 31.46, स्पेन, इटली, यूके में उस आंकड़ों में नहीं जाऊंगा। और भारत में डीजल के दाम में दो वर्षों में कितनी वृद्धि हुई, केवल 0.96%, यानी केवल 1% की वृद्धि हुई। और आप कहते हैं कि पेट्रोलियम पदार्थों का दाम बढ़ गया, और ये आंकड़े आप चाहें तो इन आंकड़ों को वेरीफाई कर लें। और सती महोदय, भारत सरकार ने दो बार पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी को कम करने का काम किया, और कुल मिलाकर दो बार में 13 रुपया पेट्रोल पर और 16 रुपया डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में कटौती की है। अब पिछले दो वर्षों में पेट्रोल और डीजल के दामों में कोई वृद्धि नहीं हुई। कोई बता दे कि पेट्रोल और डीजल के दाम में भारत के अंदर कोई वृद्धि हुई है क्या? और सती महोदय, यहाँ भी राजनीति हो रही है। बीजेपी शासित राज्यों ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी या वैट को घटाने का काम किया, लेकिन जो विपक्ष के राज्य थे उन्होंने घटाने के बजाय बढ़ाने का काम किया। और उसका भी मैं आंकड़ा देना चाहूँगा सती महोदय, अभी अभी राजस्थान का चुनाव हुआ है, गांधीनगर में पेट्रोल 96 रुपया 63 पैसा और जयपुर में पेट्रोल 108 रुपया 45 पैसा, यानी 12% ज़्यादा है गांधीनगर से जयपुर में पेट्रोल का दाम। गुवाहाटी में 98 98 रुपया गुवाहाटी में, और डायरेक साहब के कोलकाता में पेट्रोल 106 रुपया 42 पैसा। तो अगर केंद्र के कारण का बढ़ा होता तो आखिर कलकत्ते में 106 रुपया और गुवाहाटी में 98 रुपया क्यों है, लखनऊ में 96 रुपया और बेंगलोर में 101 रुपया, गोवा में 97 रुपया, रायपुर में 102 रुपया, भोपाल में 108 रुपया और अमरावती में 111 रुपया। सती महोदय, कांग्रेस शासित राज्यों ने पेट्रोल और डीजल के दामों में कोई कटौती नहीं की, और बीजेपी शासित राज्यों ने उसके दाम में कटौती की। और जब बात आती है एलपीजी की, तो सदन को ये मालूम है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एलपीजी के दामों में और जो उज्ज्वला योजना के तहत जो सिलेंडर मिलता था उसमें कुल मिलाकर 300 रुपये की राहत दी है, और सामान्य कंज्यूमर को 200 रुपये की राहत दी है। इससे पेट्रोलियम कंपनियों को 28,000 करोड़ का नुकसान हुआ, 28,000 करोड़ का, और भारत सरकार ने 22,000 करोड़ रुपया उनको पिछले साल देकर उसकी क्षतिपूर्ति करने का काम किया है। सती महोदय, ये नरेंद्र मोदी की सरकार है। पेट्रोल में ब्लेंडिंग, ये जो इथेनॉल की ब्लेंडिंग हो रही है, ये जब 14 में नरेंद्र मोदी जी आए इस समय 1.53% पेट्रोल में ब्लेंडिंग होती थी, आज कितनी ब्लेंडिंग हो रही है, 12%। और इससे देश को कितना फायदा हुआ, विदेशी मुद्रा 73,000 करोड़, डायरेक्ट साहब 70,000, द कंट्री हैज सेव्ड 73,000 करोड़ एज अ फॉरेन एक्सचेंज सेविंग, कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन 402 लाख मैट्रिक टन एमिशन कम हुआ, अमाउंट पेड टू द डिस्टिलरीज 1,26,000 करोड़, और फार्मर्स को कितना मिला, 76,000 करोड़ रुपया और किसानों को मिला है। सती महोदय, ये है नरेंद्र मोदी की सरकार। और सती महोदय, आप बार बार कहते हैं कि उसी प्रकार फर्टिलाइजर, सती महोदय, फर्टिलाइजर भारत सरकार ने अगले 3 साल के लिए 3,70,000 करोड़ की सब्सिडी का अपने बजट में और प्रोविजन किया, 3,70,000 करोड़। और मैं सदन को बताना चाहूँगा कि जो फर्टिलाइजर का जो रॉ मटेरियल है, फर्टिलाइजर ये बाहर से आता, भारत के अंदर केवल 40% तैयार होता है, बाकी बाहर से आता है। और मैं सदन को बताना चाहूँगा कि यूरिया के दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में यूरिया का दाम है
2450 और किसानों को कितने में मिलता है? 266 रुपए में किसानों को मिलता है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज प्रोवाइडिंग अ सब्सिडी ऑफ 2183 पर बैग टू द फार्मर्स इन दिस कंट्री। डीएपी में सब्सिडी कितनी मिल रही है? 2501 रुपया। एनपीके में सब्सिडी कितनी? 1918। और आपने सारे कारखाने बंद कर दिया। गोरखपुर का खाद का कारखाना नरेंद्र मोदी जी ने चालू किया, बरौनी का खाद का कारखाना हमारी सरकार ने चालू किया। और सती महोदय अभी कह रहे थे कि करोड़पति बन गए, ये बात ठीक है कि हमारे करोड़पति बनना कोई गुनाह नहीं है, चोरी करके कोई करोड़पति न बने। और ठीक है डायरेक्ट साहब, इन 1617 देर वर ओनली 68,263 करोड़पति इन दिस कंट्री। नाउ द फिगर इज गॉन टू 1,69,000। तो जो टैक्स पेयर है, जो एक करोड़ से ज़्यादा जिनकी अर्निंग है, जो टैक्स देते हैं, उनकी संख्या 68,000 से बढ़कर 1,69,000 हो गई। ये तो खुशी होना चाहिए कि आप दुखी हैं कि करोड़पति क्यों हो गए, तो सब लोग कंगाल बना दीजिए, सब लोग कंगाल हो जाएं। लेकिन दूसरी ओर मैं ये भी सदन को बताना चाहूँगा, ये नरेंद्र मोदी जिनके कारण 13,50,00,000 लोग गरीबी की जंजीर से मुक्त हो गए। पिछले उनके पहले कार्यकाल में, दीदी थोड़ा एक मिनट, उनके पहले कार्यकाल में 13.5 करोड़ लोग गरीबी की जंजीर से मुक्त हो गए और मिडिल क्लास में शामिल हो गए। चौथी महोदय, 15-16 में इस देश में 24.85% गरीब थे और 19 और 21 में घटकर कितना हो गया? 15%। तो आखिर गरीब कहाँ चले? गरीब देव 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 इंटर द ये मिडिल क्लास। सती महोदय, और यूएनडीपी की रिपोर्ट, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम की रिपोर्ट है कि 2005-06 में 64.5 करोड़ गरीब थे इस देश के लिए, 64.5 करोड़, और 2021 में घटकर हो गए 23 करोड़। 15 साल में इस देश के अंदर 41 करोड़ लोग गरीबी से मुक्त हो गए और वो मिडिल क्लास में प्रवेश कर गए। तो सती महोदय, एक और हमने जहाँ गरीबों का ख्याल रखा, वहाँ पर यहाँ पर लोग उद्योगों के माध्यम से पैसा कमाएं, इसका भी ध्यान रखा है। और सती महोदय, अभी बैंकों की बात हो रही थी और कि बैंकों का एनपीए की क्या स्थिति है। बैंक का प्रॉफिट 22-23 में पहली बार बैंकों का प्रॉफिट, दे हैव अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 1,00,000 करोड़। नॉट अ सिंगल बैंक इज इन रेड, दे आर अर्निंग प्रॉफिट। ये आपके कार्यकाल में क्यों नहीं हुआ? 22-23 में क्यों 1,00,000 करोड़ का 22-23 में बैंकों को प्रॉफिट हुआ है? और भारत सरकार ने जो कैपिटलाइज करते थे, बैंकों को पैसा देते, देना बंद कर दिया, 3 साल से 1 पैसा नहीं दिया बैंकों को। और बैंक अपने बलबूते जो हैं, और जो NPA हैं, जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट हैं, वो 11.2 था 17-18 में, घटकर 5.2% हो गया। तो सती महोदय, ये जो NPA अगर कम हुआ है तो इसका कारण क्या है? सती महोदय, GST का कलेक्शन, एक साल में 6 बार GST का कलेक्शन, दैट इज क्रॉस 1,60,000। जो लोग गब्बर सिंह टैक्स कहते हैं GST को, तो अगर हिम्मत है तो अपने राज्य हिमाचल में, और जहां आपकी सरकार कर्नाटक में, GST को हटा दीजिए। अगर वो गब्बर सिंह टैक्स है तो GST के कारण 1,60,000 करोड़ का कलेक्शन एक साल में एक बार नहीं बल्कि 6 बार इस एक साल के अंदर हो चुका है। और सती महोदय, एक समय था कि मोबाइल हम इंपोर्ट करते थे, आज से 10 साल पहले 98% मोबाइल हम इंपोर्ट करते थे। और मैं सदन को बताना चाहूँगा कि आज 99% मोबाइल मेड इन इंडिया है, हमने मोबाइल को इंपोर्ट करना बंद कर दिया। और इस साल 11 बिलियन का मतलब हो गया 88,000 करोड़ के मोबाइल फ़ोन जो है, और हमने एक्सपोर्ट करने का काम किया है। सती महोदय, नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, भारत मंडपम के उद्घाटन के अवसर पर उन्होंने भाषण देते हुए कहा था कि जब वो प्रधानमंत्री बने उस समय भारत
दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी, 10th इकोनॉमी थी दुनिया की 2014 में, और सेकेंड टर्म में वो दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। और उन्होंने देश की जनता को गारंटी दिया, मोदी की गारंटी, कि तीसरे टर्म में इंडिया दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। जर्मनी को पीछे छोड़कर हम 2 साल में 4th हो जाएंगे, और फिर जापान को पीछे छोड़कर 2027 तक हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। और सरस्वती महोदय, केवल हम दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था ही नहीं बनेंगे, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, जो $5 ट्रिलियन की जो इकोनॉमी है, 27-28 तक भारत 3rd लार्जेस्ट केवल GDP में नहीं बनेगा, बल्कि $5 ट्रिलियन इकोनॉमी में भी बदल जाएगा। हमारा सपना है, प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि 2047 तक भारत एक विकसित देश बन सके, एक एडवांस इकोनॉमी बन सके, और उसी दिशा के अंदर भारत की सरकार काम कर रही है। और इसलिए सरस्वती महोदय, हम लोगों ने महंगाई को नियंत्रित करके दिखलाया है। अभी जो आंकड़े आए अक्टूबर के, वो 4.87 RBI का 4++-2 का जो रेंज है, अक्टूबर 2023 में वो आंकड़ा 4.87 का है, तो हमने महंगाई को नियंत्रित करके दिखलाया है। और जहाँ तक खाद्य तेल की बात है, खाद्य तेल पिछले 1 साल में उसके दाम में 18% की गिरावट है, मस्टर्ड ऑयल में, वनस्पति में 12% की गिरावट है, सोया में 20%, पाम ऑयल में 15%। यद्यपि ये खाद्य तेल भारत में पैदा नहीं होता है, फिर भी हम लोगों ने और उसके अंदर भी उसको भी और नियंत्रित करके दिखाया है। और साथ ही महोदय, उसी प्रकार जो गरीबों के लिए जो 81 करोड़ गरीबों को मुफ्त में अनाज दिया जा रहा है, और अब तो सरकार ने ऐलान किया है कि अगले 5 साल तक 81 करोड़ लोगों को 5 साल तक दिसंबर 2028 तक और अनाज मिलेगा। अंत में आप घंटी न बजा दें, मैं एक बात और कह दूँ। इस बीच के अंदर हमारे मित्र कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी जी ने बिहार के अंदर सभा में कहा कि विशेष राज्य का दर्जा देंगे। मैं चुनौती देता हूँ, कभी भी किसी भाषण में नरेंद्र मोदी जी ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने का कभी ऐलान नहीं किया था, नंबर एक। नंबर दो, कि जब केंद्र में UPA की सरकार थी, उसी समय रघुराम राजन कमेटी का गठन करवाया था नीतीश कुमार जी ने चिदंबरम साहब से मिलकर, और रघुराम राजन कमेटी ने रिपोर्ट दिया कि अब देश के किसी भी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता है। इतना ही नहीं तो 14th फाइनेंस कमीशन, क्योंकि 5th फाइनेंस कमीशन ने 69 के अंदर पहली बार स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का कंसेप्ट दिया था, लेकिन 14th फाइनेंस कमीशन ने 2015 में विशेष राज्य के दर्जे की अवधारणा को ही खत्म कर दिया। इसलिए 14th और 15th फाइनेंस कमीशन में कहीं भी स्पेशल कैटेगरी शब्द आया ही नहीं है। तो महोदय, जब 14th फाइनेंस कमीशन ने, रघुराम राजन कमेटी ने, इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप ने खत्म कर दिया, और जब लालू जी देश में रेल मंत्री थे, बड़े ताकतवर मंत्री थे, रात को 12 बजे राष्ट्रपति को उठाकर बिहार की विधानसभा को भंग करवा दिया, उस समय उन्होंने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिलवाया? जब नीतीश जी रेल मंत्री थे, उस समय बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिलवाया? और नरेंद्र मोदी ने तो विशेष राज्य के दर्जे से बिहार को जितना मिलता उसे ज़्यादा दे दिया। जो पैकेज दिया, PM पैकेज, 1,40,000 करोड़ का पैकेज दिया बिहार को, PM पैकेज, केवल भारत में अकेला राज्य बिहार है जिसको केंद्र की सरकार के द्वारा पैकेज दिया गया। लेकिन जब चुनाव नज़दीक आता है तो विशेष राज्य का दर्जा, विशेष राज्य का दर्जा। आंध्र का तो घोषणा थी सोनिया जी का, कि घोषणा थी सदन के अंदर कि आंध्र को विशेष राज्य का दर्जा देंगे, कहाँ मिला? अब देश के किसी भी राज्य को स्पेशल कैटेगरी का स्टेटस नहीं मिल सकता है। राज्य को मदद मिलेगी, केंद्र मदद करेगा, लेकिन इसको पॉलिटिकल मुद्दा न बनाए तो मुझे लगता है कि और ज़्यादा बेहतर होगा। इसलिए सती महोदय, नरेंद्र मोदी जी पर लोगों को भरोसा है, यही व्यक्ति जो महंगाई नियंत्रित कर सकता है, यही व्यक्ति है जो देश का विकास कर सकता है। और इसीलिए आज 12 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, और 4 राज्यों के अंदर सहयोगी दल के साथ मिलकर सरकार चल रही है। देश के 51% क्षेत्रफल पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें चल रही है। और इसलिए सती महोदय,
अर्थव्यवस्था को हमने बेहतर बनाकर दिखलाया है। हमें गर्व है नरेंद्र मोदी पर कि विपरीत परिस्थितियों में भी भारत को जिस संकट से उबार कर उन्होंने यहाँ तक पहुँचाया है, मुझे पूरा विश्वास है कि 5 महीने के बाद जब लोकसभा के चुनाव होंगे, ये ग्रोथ, ये सड़क पर, ये नीचे दिखाई जमीन पर दिखाई पड़ेगा और लोग विकास के नाम पर वोट देंगे, सांप्रदायिक और जातीय गणना के नाम पर वोट नहीं देंगे। जातीय गणना का मुद्दा तो बहुत उछला था मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में, कहाँ लोगों ने वोट दिया, कहाँ वो मुद्दा बना। तीनों शब्दों के साथ मुझे पूरा विश्वास है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाएंगे और भारत को आगे ले जाएंगे। धन्यवाद।